हेलो एवरीवन, तो आज हम साइकेट्री नर्सिंग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अंदर हमारे मेन सिक्स डिसऑर्डर्स आते हैं। फर्स्ट है हमारा क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इम्पेयरमेंट इन थिंकिंग रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मीन्स पर्सन को किसी चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, ठीक है, इम्पेयरमेंट है, और सोचने में टाइम लगता है और याद करने में टाइम लगता है। जैसे एग्जांपल क्या है कि अगर पर्सन बार बार अपना सामान रख के भूल जाए, ठीक है, तो क्या है, वो क्या है, क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो किस में इम्पेयरमेंट होता है, थिंकिंग में, रिमेंबरिंग में और अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो इसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है। इसमें व्यक्ति, जो भी पर्सन है, प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। जैसे क्लाउडेड कॉन्शियसनेस हिंदी में तो बोलेंगे, जैसे जो कॉन्शियस व्यक्ति को मतलब याद नहीं रहता, धुंधलापन उसकी जो याददाश्त में आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न नाम से पता चल रहा है कि जो पर्सन है उसको तीन चीज़ों में रिस्पेक्ट में हम इसको पढ़ सकते हैं, जैसे टाइम, प्लेस और पर्सन। मीन्स पर्सन को मतलब कन्फ्यूज़न रहता है कि अभी कौन सा टाइम है, जैसे उसको दिन है या फिर रात है, दोपहर हो चुकी है, प्लेस कहाँ पे वो खड़ा है, कौन सी जगह है वो, ठीक है, और पर्सन जिसके साथ, जो व्यक्ति खड़ा है, जो पर्सन खड़ा है वो कौन है, उसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो उसके बारे में उसको कन्फ्यूज़न रहती है, उसको क्लियर आइडिया नहीं होता, और पर्सन इस स्टेट में क्या है, सरप्राइज्ड रहता है, आश्चर्यचकित रहता है कि हाँ अभी कौन सा टाइम है, कौन सा व्यक्ति उसके साथ खड़ा है, ठीक है। तो सरप्राइज्ड फेस यहाँ पे रहता है पर्सन का। नेक्स्ट है हमारा स्टूपर, ठीक है। स्टूपर में दो चीज़ें हैं, म्यूट एंड मोशनलेस। म्यूट एंड मोशनलेस, ठीक है। इसे याद करना है कि जो पर्सन है वो चुप रहना ज़्यादा पसंद करता है, और दूसरा क्या है, मोशनलेस, ठीक है, वो एक ही जगह पे बैठकर सोचता रहता है। ये भी किसका डिसऑर्डर है, कॉन्शियसनेस का, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो जो पर्सन है कम बोलता है, अपने जो आइडियाज़ है, व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, अपने विचारों को दूसरों के साथ कम शेयर करता है, ठीक है, और व्यक्ति क्या है कि एक ही जगह पर बैठना पसंद करता है। इसमें ये हमारा स्टूपर है। नेक्स्ट है हमारा कोमा, ठीक है। कोमा स्टेज क्या होती है कि प्रोलॉन्ग लेवल तक अनकॉन्शियस स्टेट में रहना, ठीक है, रिमेन इन अनकॉन्शियस स्टेट, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत टाइम, लंबे टाइम तक वो एक अनकॉन्शियस, उसको पता ही नहीं होता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, उसी अवस्था में, उसी स्टेट में वो बहुत टाइम तक रहता है। और इसमें एक चीज़ हो रहा है कि जो अगर कोई पेनफुल स्टिमुलाई हम देते हैं, ठीक है, अगर उससे पिंच करते हैं उसको एकदम से कोई बाहर से, ठीक है, उसको पता नहीं चलता, उसके लिए उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, रिप्लाई नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता, नॉट रिस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलाई, ठीक है, उसको पेन का पता नहीं चलता, उसको किसी तरह का जो इन्वायरमेंट, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका उसको पता नहीं चलता, ठीक है, पेनफुल स्टिमुलाई। फिर है नेक्स्ट हमारी कोमा विजिल, ठीक है। कोमा विजिल में क्या होता है, जो पेशेंट है, ठीक है, वो कोमा स्टेट में होता है, मीन्स अनकॉन्शियस स्टेट होता है, बट उसकी जो आइज हैं वो रिमेन्स ओपन, ठीक है, तो अनकॉन्शियस विथ आइज ओपन, ठीक है, ये हमारी कौन सी स्टेट है, कोमा विजिल। तो लास्ट हमारी और है ड्रीमी स्टेट, ड्रीमी स्टेट में क्या होता है कि जो
जो पर्सन है उसकी जो बॉडी है वो प्रेजेंट होता है, फिजिकली वो उस जगह पे होता है बट उसका माइंड वहाँ पे नहीं होता. तो बॉडी प्रेजेंट है एंड माइंड एब्सेंट. ठीक है, जैसे आप क्लास यहाँ पे ले रहे हो और आपका माइंड कहीं और काम कर रहा हो, ठीक है, कहीं और पे है, तो वो हमारी कौन सी है, ड्रीम स्टेट. इसमें प्लेजरेबल और नॉन प्लेजरेबल दोनों ही स्टेट हो सकती है, प्लेजरेबल एंड नॉन प्लेजरेबल. ठीक है, दोनों ही तरह के जो आइडियाज़ हैं, उसके जो थॉट्स हैं, विचार हो सकते हैं, वो कुछ भी ड्रीम कर सकता है, प्लेजरेबल भी हो सकता है और नॉन प्लेजरेबल भी हो सकते हैं. ड्रीमी स्टेट, ठीक है, वो अच्छा भी सोच सकता है और वो बुरा भी सोच सकता है. ठीक है, ये हमारे हो गए मेन जिसके डिसऑर्डर्स है कॉन्शियसनेस के. एक और होता है फैंटेसी, आप लोगों ने सुना होगा फैंटेसी. ठीक है, तो इसमें फैंटेसी और ड्रीमी स्टेट में, ठीक है, इन दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है. ड्रीमी स्टेट में क्या है, प्लेजरेबल एंड नॉन प्लेजरेबल दोनों ही थॉट्स हो सकते हैं, उसके आइडियाज़ हो सकते हैं. बट फैंटेसी में क्या है, ये सिर्फ प्लेजरेबल ड्रीमी स्टेट है. ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स उसके माइंड में आते हैं, नेगेटिव नहीं होते. ठीक है, तो ये तो हमने अब डिस्कस कर लिया डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन सा फर्स्ट क्या है हमारा, क्लाउडेड कॉन्शियसनेस. ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, कन्फ्यूज़न. उसके बाद थर्ड क्या है, स्टूपर, कोमा विजिल एंड ड्रीमी स्टेट. ठीक है, तो ये हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. याद जो मेन पॉइंट है वो आप याद रखो कि इसमें इन तीनों चीज़ की इम्पेयरमेंट रहती है. कन्फ्यूज़न में क्या, टाइम प्लेस और पर्सन के लिए अवेयरनेस नहीं होती है. और स्टूपर में इस करेक्टरिस्टिक क्या होती है पर्सन की, म्यूट एंड मोशनलेस. कोमा में अनकॉन्शियस स्टेट होती है और क्या है, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द पेनफुल स्टिमुलाई के लिए कोई रिस्पॉन्ड वो नहीं करता है. विजिल में अनकॉन्शियस स्टेट ही रहती है बट आइज ओपन रहती है. और ड्रीमी स्टेट में क्या है, प्लेजरेबल एंड नॉन प्लेजरेबल ड्रीमी स्टेट हो सकती है और जिसका बॉडी प्रेजेंट होती है, माइंड एब्सेंट होता है. ठीक है, ये तो होगी डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्टिविटी क्या है, ये भी तीन तरह की हो सकती है. ठीक है, एक होती है हमारी हाइपर एक्टिविटी, जिसको बोल सकते हैं इंक्रीज्ड एक्टिविटी. ठीक है, और इंक्रीज साइको मोटर एक्टिविटी, लिख लेते हैं इसको भी हम, इंक्रीज्ड एक्टिविटी. दूसरा है हमारा दिस एक्टिविटी. थर्ड है हमारा डिक्रीज्ड एक्टिविटी. ठीक है, तो तीन तरह के डिसऑर्डर्स एक्टिविटी के अंदर, डिक्रीज एक्टिविटी और साइकोमोटर एक्टिविटी. इस
इसमें क्या होता है, जो पेशेंट की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जैसे पेशेंट क्या करता है कि बहुत सारे काम एक ही टाइम पे ख़त्म बहुत सारे काम एक ही टाइम पे ख़त्म करने की सोचता है और अपने काम को फास्ट करता है, ठीक है, जल्दी ख़त्म करने की सोचता है, ठीक है। ये तो हमारा रहता है इंक्रीज एक्टिविटी। इसके बाद जिसके ठीक अपोजिट होता है, इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, कौन सा हो सकता है, मेनिया पेशेंट, ठीक है। मेनिया पेशेंट क्या करता है कि जो भी काम स्टार्ट करता है वो जल्दी जल्दी उसको फिनिश करने की सोचता है, ठीक है, और या फिर एक ही टाइम पे सारे काम करने की सोचता है। और फिर उसके अपोजिट में डिक्रीज एक्टिविटी या फिर डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो पेशेंट क्या है कि या तो कोई काम जल्दी से स्टार्ट ही नहीं करता, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए बहुत बार उसको सोचना पड़ता है, और अगर कोई काम स्टार्ट कर देता है तो क्या उसको जल्दी से फिनिश नहीं कर पाता, ठीक है। एग्जांपल के लिए कौन सा हो सकता है, डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेसिव पेशेंट, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में अपोजिट हो गए, ठीक है। इंक्रीज एक्टिविटी हो गया आपका, डिक्रीज एक्टिविटी हो गया, और फिर बच गया आपका डिसएक्टिविटी। डिसएक्टिविटी क्या होगा, मीन्स अबनॉर्मली डन एक्टिविटी, ठीक है। मीन्स क्या है कि जो भी पर्सन है किसी भी एक्टिविटी को अच्छे से नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो हमारी हो जाती है डिसएक्टिविटी। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन, डिसएक्टिविटी। ठीक है, तो डिसएक्टिविटी में हमारा फर्स्ट आता है स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप, ठीक है। सेकेंड डिसऑर्डर आता है हमारा ऑटोमोटिव एक्टिविटी, थर्ड आता है हमारा नेगेटिविज्म, नेगेटिविज्म, थर्ड डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। फोर्थ आता है हमारा सुसाइड, नेक्स्ट आता है हमारा वायलेंस, ठीक है। तो ये हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ एक्टिविटी हैं। स्टीरियोटाइप में हम फर्दर पढ़ते हैं, ये भी थ्री टाइप का होता है स्टीरियोटाइप, जो एक्टिविटी है थ्री टाइप की होती है। फर्स्ट हमारी वैक्सी फ्लैक्सीबिलिटी, वैक्सी फ्लैक्सीबिलिटी, ठीक है, जिसको हम कैटालेप्सी भी कहते हैं, कैटालेप्सी। इसमें क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है वैक्सी, ठीक है, मीन्स वैक्स की तरह जो पर्सन है एक जगह खड़ा रहता है, ठीक है, मीन्स उसके वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो ये क्या है, पोजीशन की स्टीरियोटाइप होता है, मीन्स जो पर्सन है एक ही जगह खड़ा रहेगा, उसकी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, ठीक है। ये क्या, ये कौन सा है स्टीरियोटाइप का फर्स्ट डिसऑर्डर हम देख रहे हैं, वैक्सी फ्लैक्सीबिलिटी या फिर कैटालेप्सिस को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीरियोटाइप किसका हो रहा है, पोजीशन का, मीन्स वो एक ही जगह पे खड़ा रहना। दूसरा होता है मूवमेंट का, मूवमेंट के को बोलते हैं हम मैनरिज्म, ठीक है, ये किसका स्टीरियोटाइप है, मूवमेंट, मीन्स जो पर्सन है वो एक ही तरह की मूवमेंट बार बार करता है, ठीक है। जैसे कुछ किसी किसी को आदत होती है कि वो बोलते टाइम अपने जो नोज़ को टच करता रहेगा, किसी को हैंड रब करने की आदत होती है, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइप क्या है, स्टीरियोटाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मैनरिज्म। फिर थर्ड होता है हमारा स्पीच का, जिसको हम बोलते हैं वर्बिग्रेशन, वर्बिग्रेशन, ठीक है। इसमें यहाँ स्टीरियोटाइप किसका होता है, स्पीच, ठीक है, जैसे एक ही वर्ड या फिर एक ही सेंटेंस को जो पर्सन बार बार बोलता रहेगा,
ठीक है, जैसे किसी वर्ड को रिपीट करना, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये सेंटेंस को रिपीट करना, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो बार बार एक ही सेंटेंस को या फिर एक ही वर्ड को जो है पर्सन रिपीट करता रहता है, तो यहाँ पे जो स्टीरियोटाइप किसका होगा, स्पीच का। मैनरिज्म में किसका आ रहा था, एम से मैनरिज्म है और एम से मूवमेंट है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे, वैक्स मोम की तरह खड़े रहता है, ठीक है। तो ये पोजीशन का स्टीरियोटाइप है। वर्बिग्रेशन एस वर्ब स्पीच रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या है, स्पीच का स्टीरियोटाइप होगा, एक ही वर्ड या फिर एक सेंटेंस को रिपीट करना, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको स्टीरियोटाइप डिस एक्टिविटी। सेकेंड है ऑटोमेटिव एक्टिविटी। ऑटोमेटिव मीन्स इमिटेट करना, ठीक है। इसमें जो व्यक्ति है वो नकल करता है, इमिटेटिव, नकल करना, ठीक है। इसमें तो ये भी दो तरह की होती है ऑटोमेटिक एक्टिविटी। एक होता है हमारा इको ले लिया, इको ले लिया, और एक होता है हमारा इको प्रेक्सिया, ठीक है। इको ले लिया और इको प्रेक्सिया। इको ले लिया में क्या होता है कि जो पर्सन है, जैसे किसी की जो भी स्पीच है, ठीक है, स्पीच को इमिटेट करता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, पेशेंट को से पूछता है कि आपने क्या खाया, ठीक है, वो उसका रिस्पांस नहीं देगा, उसका जवाब नहीं देगा, वो वापस से उसी सेंटेंस को इमिटेट करेगा, नकल करेगा, वो वापस से बोलेगा कि आपने क्या खाया, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ आपको कि आपने आपने क्या काम किया, ठीक है, तो आप भी रिपीट करोगे, इमिटेट करोगे मेरे वर्ड्स को कि आपने क्या काम किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इको ले लिया, मीन्स इसमें स्पीच को इमिटेट करता है पर्सन। और इधर क्या, इको प्रेक्सिया, ठीक है। इसमें क्या होता है इको प्रेक्सिया में, कि जो पेशेंट है या फिर जो पर्सन है वो एक्टिविटी को इमिटेट करता है, ठीक है। जैसे अगर एक पर्सन खड़ा होता है तो दूसरा पर्सन उसको देख के खड़ा हो जाए, और एक अगर वो बैठ जाता है तो दूसरा पर्सन उसको देख के बैठ जाए। इसमें क्या हो रहा है कि जो सेकंड वाला पर्सन है वो फर्स्ट वाले को इमिटेट कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को इमिटेट कर रहा है, नकल कर रहा है, ठीक है। तो इको ले लिया में क्या हो गया, स्पीच का इमिटेशन है, स्पीच, ठीक है। और इको प्रेक्सिया में क्या हो गया, एक्टिविटी का इमिटेशन है, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या हो गए, ऑटोमेटिक एक्टिविटी एक्टिविटी, ठीक है। थर्ड है हमारा नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म क्या है, नाम से पता, नेगेटिव मींस जो भी उसको ऑर्डर मिलता है पेशेंट को, ठीक है, उसके अपोजिट में वो काम करता है, ठीक है। अपोज द रिस्पोंड, अपोजिट टू स्टिमुलाई, ठीक है। मींस अगर डॉक्टर क्या है, उसको लेट, पेशेंट को लेटने के लिए बोलता है तो वो बैठ जाएगा, ठीक है। अगर बैठने के लिए बोला है तो वो लेट जाएगा, अगर उसको उसके नी को बेंड करने के लिए बोला तो स्ट्रेट करता है। तो इसमें क्या जो है, जो भी उसको ऑर्डर दिया जाता है, स्टिमुलाई मिलता है, उसके अपोजिट काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट को क्या पता होता है, फिर भी वो एक्टिवली ये सब जो है रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा नेगेटिविज्म। फिर हमारा सुसाइड। सुसाइड क्या है कि एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, ठीक है, खुद को हार्म करने की, किल करने के एक्ट को, ठीक है, कोशिश को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड, एक्ट ऑफ किलिंग, ठीक है, ये हमारा सुसाइड है। ये भी डिस एक्टिविटी के अंडर आता है। फिर आता है वॉयलेंस। वॉयलेंस में क्या है कि फिज़िकल जो पावर है हमारी, ठीक है, फिज़िकल फोर्स को किसी को हार्म करने के लिए यूज़ करना, ठीक है, या फिर किसी तरह का डिस्ट्रक्शन करने के लिए यूज़ करना, वो तो क्या होता है हमारा वॉयलेंस, यूज़ ऑफ फिज़िकल फोर्स, ठीक है। फिज़िकल फोर्स को किसी को हार्म पहुँचाने के, या किसी कम्युनिटी को, पीपल को हार्म, नुकसान पहुँचाने के लिए जो फिज़िकल फोर्स यूज़ करते हैं, उस टाइम हम क्या बोलते हैं, वायलेंस, ठीक है। तो ये हमारे किसके अंडर पड़ा, हमने डिस एक्टिविटी, ठीक है। तो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्टिविटी के अंडर इतना ही था, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या, फर्स्ट जो इसके अंदर डिसऑर्डर्स था, क्या था, हाइपर एक्टिविटी और इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। सेकेंड क्या था, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। थर्ड हमने डिस एक्टिविटी को पढ़ा था। डिस एक्टिविटी में कितने डिसऑर्डर्स हो गए, 5, स्टीरियोटाइप, ऑटोमोटिव, नेगेटिविज्म, सुसाइड एंड वॉयलेंस।
ठीक है। तो आज की क्लास में हमने दो डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस और डिसऑर्डर्स ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट्स है वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।